नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नवरात्रि में जो कि 15 तारीख से चालू हो चुका है और करीब करीब 17 नवंबर तक माँ दुर्गा ऐसे कुछ कृपा कर रही हैं, पक्की बात है कि अब आपके साथ वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातक अच्छी न्यूज आपको मिलेगी ही मिलेगी। पूरा देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बने रहिएगा, छोड़ना नहीं है एक भी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य, मंगल और बुध, ये तीन ग्रह 18 अक्टूबर से सूर्य आएंगे तुला में, मंगल तो 3 अक्टूबर से ही है और बुध आ जाएंगे 19 अक्टूबर से। तीन ग्रह एक साथ आ रहे हैं, तो इसका देखिए सबसे पहले बोल देता हूँ कि जो बता रहा हूँ ये वृषभ राशि के साथ ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं सबके साथ सेम टू सेम हो, वह जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका कुंडली कैसा, उस पर ही बात करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ होगा। और कमेंट किया कीजिए जिससे कि आपको सच्चाई दिखे। लोग आके बोल के चले जाते हैं, बोलने की क्या जरूरत है, कमेंट पढ़ो, सच्चाई देखो, सीधी बात है। चलिए, तो अब ये देखना होता है कि कुंडली में कैसा है, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन गोचर भी बहुत हद तक हेल्प करता है मैक्सिमम 60% लोगों के साथ। लेकिन ये जो बना रहा हो ना, ये 80% लोगों के साथ होगा ऐसा है। चलिए, तो सूर्य मजबूत हो गए, तो मतलब सूर्य मजबूत हो गए, अब कैसे मजबूत हुए क्या उसका एक्सप्लेन नहीं करो, लेकिन सूर्य मजबूत हो गए इतना जानिए। और ये अपने राशि को बल देंगे, मजबूत होते ही ये अपने राशि को बल देंगे, मतलब क्या, चौथे घर को बल देंगे। चौथा घर का मतलब क्या, देखिए चौथा घर का मतलब हो गया कुछ सुख मिलना। सुख बहुत सारे होते हैं, सुख अगर देखा जाए तो बहुत सारे सुख होते हैं। किसी का सुख होता है कि घर मिल जाए, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। कोई सोचता है कि गाड़ी मिल जाए, कोई सोचता है कि संतान प्राप्ति हो, तो सुख बहुत तरह के होते हैं। तो ये एक महीने आपके लिए एक अच्छा समाचार लेके आ रहा है जो आपको बहुत खुश करेगा, बहुत आप खुश हो जाएंगे, बहुत आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे कि सूर्य छठे घर में है, तो सूर्य मंगल का साथ लेंगे, मंगल का साथ लेने का मतलब है बारहवें घर का। बारहवें घर का मतलब अगर आप पर कुछ कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आप सीनियर से परेशान हो, कमेंट करके बताइएगा ये होगा आपके साथ, या तो आप पे कुछ कोर्ट केस चल रहा होगा, या जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सीनियर से परेशानी होगा आपको, या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, रिलेशनशिप संबंधों में दिक्कतें होंगी, वो अचानक से सही होगा। अचानक से आप जीत जाएंगे कोर्ट कचहरी, अचानक से आपके साथ कुछ अच्छा होगा इससे जुड़ा हुआ। चूंकि सप्तम घर के स्वामी बृहस्पति हैं, तो जिनका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, मैरिज को लेके इन सब में जिनका दिक्कतें चल रहा होगा या चल रही होंगी, होगा कमेंट करके बताइएगा, चल रहा होगा, चल रही होंगी आपके साथ मैरिज लाइफ को लेके दिक्कतें चल रहा हो, कमेंट करिएगा, उसमें अचानक से आपको राहत मिल जाएगा, अचानक से आपको राहत मिलेगा। देखिएगा, तो सूर्य मंगल का साथ लिया तो इन दो चीज़ों में आपको राहत देंगे, और सूर्य चौथे घर के हैं तो इन दोनों से जुड़ा हुआ आपको अच्छा न्यूज मिलेगा, ये गारंटेड है, ये पक्की है, इसी से मिलता जुलता आपको न्यूज मिलेगा। और सूर्य छठे घर में भी हैं, हालांकि सूर्य अच्छे हैं तो छठे घर को भी सही करेंगे, तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आप
कर्जा चुका पाओगे। अचानक से आपके पास कुछ ऐसा पैसा आएगा कि आप जो लोग जमीन बेच के कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहे हैं वो जमीन बेच के कर्जा चुका पाएंगे। मतलब कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा कि आप अपने कर्ज को चुका पाओगे, कर्ज आप बिल्कुल चुका दोगे, ये ऐसा निश्चित तौर से दिखाई दे रहा है। और छठा घर भी होता है मान सम्मान का भी होता है। कुछ चीज़ अगर आपकी चोरी हुई हैं तो वो मिल जाएंगी, और किसी ने आपको धोखा दिया है तो उससे भी आपको राहत मिलेगा। तो मिला जुला के यही सब चीज़ें होगा, लेकिन फाइनली यही है कि आपके मन मुताबिक कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बहुत राहत देगा। अब वृषभ राशि वाले, आपके कुंडली में कैसा है वो देखना होगा। मान लीजिए सूर्य बहुत अच्छे होगा, सूर्य 7 नंबर में है, सूर्य अगर आपके कुंडली में 1 नंबर 5 नंबर 11 नंबर में अगर है, कुंडली आप कहीं भी बन जाएगा, ऑनलाइन बहुत सॉफ्टवेयर है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डालिएगा, कुंडली बन के तैयार हो जाएगी। वो डालिएगा, लगन चार्ट देखिएगा, उसमें सूर्य अगर 1 नंबर 5 नंबर 11 नंबर में है तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि आपके साथ पक्का है कि अच्छा होगा, जो जो बता दिया हूँ वो आपके साथ जरूर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप बात करना चाहते हैं तो कुछ चार्जेस पे करके, दक्षिणा पे करके, मेरे समय लेके आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।